तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिंदी फर्स्ट मॉडल पेपर के बारे में। आज के भी जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो घनानंद जी से रिलेटेड होने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को जैसा कि मालूम ही है कि हिंदी फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर में सभी कबीरदास, तुलसीदास, रहीमदास, जायसी, घनानंद जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम घनानंद जिससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जानेंगे, क्योंकि घनानंद से जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर अभी तक आपको नहीं मालूम है तो पिछले साल का मॉडल पेपर देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आप ये अच्छी तरह से पढ़ के जाते हैं तो आई होप आपको घनानंद जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, घनानंद का जन्म कहाँ हुआ था? नंबर एक आगरा, बी नंबर बुलंदशहर, सी नंबर हरिद्वार, डी नंबर बनारस। आपको सारे क्वेश्चन सही से देखना, सही से पढ़ना है। आप वीडियो देखेंगे, आई होप आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम बेशक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बुलंदशहर में घनानंद जी का जन्म हुआ था। बहुत से सिंपल से क्वेश्चन है, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताने की कोशिश की है। आई होप आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। आप वीडियो देख लीजिए, बस ज़्यादा आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, घनानंद जी के गुरु का क्या नाम था? नंबर एक वृंदावन देव, बी नंबर हरिनाम, सी नंबर नरिहरदास, डी नंबर कबीरदास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, जो घनानंद जी के गुरु का नाम था वो वृंदावन देव था। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने सारे क्वेश्चन बताने की कोशिश की है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आप वीडियो को एंड तक देख लें, लास्ट तक बने रहते हैं तो सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में वीडियो के लास्ट में जब आप पहुँचिएगा ना तो आप लोगों को मालूम हो जाएगा। आप एक बार माइंड में थोड़ा रिफ्रेश करके सोचिएगा कि आज के इस वीडियो में मैंने जितने क्वेश्चन किए पढ़े हैं सब मुझे याद हुए कि नहीं। आई होप 100% आपको सारे क्वेश्चन माइंड में आ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल। जैसे कि भाई घनानंद जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, किस सन में हुआ था, गुरु जी का क्या नाम था, उनके किस कृति का निर्माण किया है, ये किस कृति का उन्होंने रचना की है, ये सारे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, घनानंद की प्रथम वर्ग की रचनाएँ किस छंद में? नंबर एक चौपाई, बी नंबर दोहा, सी नंबर कवित सवैया, डी नंबर सोरठा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर कवित सवैया। ठीक है, सी नंबर। जिन स्टूडेंट को इसकी पीडीएफ चाहिए वो वीडियो के एंड तक देखते रहे, मैं वीडियो को लास्ट में बता दूंगा कि इन सारे क्वेश्चन की पीडीएफ आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरी गाथा किसकी कृति है? नंबर एक ठाकुर, बी नंबर घनानंद, सी नंबर रसखान, डी नंबर देव। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं घनानंद से रिलेटेड हैं, तो ये जो गिरी गाथा कृति है वो घनानंद जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद का किस जात से संबंधित हैं? ठीक है, या घनानंद जी किस जात के हैं, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो नंबर एक अवस्थी, बी नंबर क्षत्रिय, सी नंबर कायस्थ और डी नंबर है ब्राह्मण। तो जो हमारे घनानंद जी थे वो किस जात के थे? कायस्थ जात के थे। ठीक है, सी नंबर, एक हिंदू धर्म का एक ये जाति होती है कायस्थ, उसी धर्म के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए, वो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साइड में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे, क्योंकि एग्जाम आने वाला है तो आपको जानकारी की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, घनानंद जी की किसके उपासक थे? जो घनानंद जी थे वो किसके उपासक थे? नंबर एक राधा कृष्ण, बी नंबर सीताराम, सी नंबर बुद्ध और डी नंबर उपरोक्त सभी। तो जी जो घनानंद जी थे वो थे किसके? राइट आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा ए नंबर, राधा कृष्ण के उपासक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कृष्ण कौमुदी किसकी कृति है? ठीक है, निम्न में कृष्ण कौमुदी किसकी कृति है या किसकी रचना है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो नंबर एक परमानंद की, बी नंबर घनानंद की, सी नंबर रैदास की, डी नंबर कृष्णदास की। सिंपल सा क्वेश्चन है घनानंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये, घनानंद जी रीत काल के कौन सी धारा के कवि थे? नंबर एक अलंकारबद्ध, बी नंबर रीतमुक्त, सी नंबर रीत सिद्ध, डी नंबर रीतबद्ध। रीतबद्ध। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, क्वेश्चन समझ लीजिएगा क्योंकि इसी तरह के और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि घनानंद जी रीत काल के कौन से धारा के कवि थे। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है कि धारा के, रीत काल के कौन से धारा के कवि थे ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर, रीत मुक्त धारा के कवि थे, रीत काल के, ठीक है, रीत मुक्त धारा के कवि थे घनानंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद को अमर करने वाली रचना का क्या नाम था? नंबर एक कृपाकांड, बी नंबर सुजान सागर, सी नंबर विरह लीला और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, सुजान सागर, घनानंद जी को अमर करने वाली रचना का नाम सुजान सागर है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछे जा भी जा चुके हैं, ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में घनानंद जी के जी किसके यहाँ, सॉरी फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, निम्न में घनानंद जी किसके यहाँ दरबार में मीर मुंशी थे? तो नंबर एक है शाहजहाँ, बी नंबर अकबर और सी नंबर मोहम्मद शाह और रंगीले और डी नंबर है जयसिंह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है दोस्तों वो होता है, क्या होता है, जिन स्टूडेंट को मालूम बेशक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है सी नंबर, मोहम्मद शाह रंगीले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद की कितनी रचनाएं प्राप्त हुई हैं? तो नंबर एक है 8, बी नंबर 6, सी नंबर 2 और डी नंबर 5। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है दोस्तों वो होता है क्या, क्या होता है, राइट आंसर होता है इसका डी नंबर, ठीक है, 5 यानी कि 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर नागेंद्र ने घनानंद के पदों की संख्या कितनी मानी है? नंबर एक 1500, बी नंबर 1700, सी नंबर 1057 और डी नंबर है 1250। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है तो आपको ध्यान देना, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर 1057, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में ब्रज व्यवहार किसकी रचना है? आलम गंग कवि, सी घनानंद, डीन बल्लभ। तो राइट आंसर आई होप आप लोगों को मालूम ही होगा, सी नंबर हो जाएगा घनानंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरे वीर पौने सबे और गौन वीर पंक्त में गौन का शब्दार्थ क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो पंक्त दी गई है इसमें जो ये गौन है इसका शब्दार्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर एक है अरमान, बी नंबर है गमन, सी नंबर है तड़प और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर गमन, ठीक है, गौन का शब्दार्थ है गमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावना प्रकाश किसकी कृति है? तो सिंपल सी बात है, मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा, आप लोग डायरेक्ट क्लिक कर लीजिए, डी नंबर घनानंद की है, भावना प्रकाश घनानंद जी की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद का जन्म कहाँ, सॉरी घनानंद का जन्म कहाँ हुआ था? जो घनानंद जी थे, अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था कि घनानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था, अब क्वेश्चन आ रहा है कि घनानंद जी का जन्म कब हुआ था। तो आप लोगों को सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर एक है संवत 1780, बी नंबर संवत 1746 और सी नंबर है संवत 1695 और डी नंबर है संवत 1607। तो घनानंद जी के जो जन्म है, जन्म किस सन में हुआ, इसके बहुत सारे मतभेद हैं, लेकिन जो क्लियर आया है, ठीक है, वो है बी नंबर राइट आंसर 1746 ईस्वी में। बहुत सारे मतभेद हैं, बहुत सारे कवि हैं, वो लेखक हैं अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि इस सन में हुआ था, इस सन में हुआ था, तो लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने थोड़ा बहुत नॉलेज लिया है उसके अकॉर्डिंग 1746 ईस्वी है, ठीक है। अब आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा कि 1746 ईस्वी में घनानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था, बुलंद शहर में, ठीक है, अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा ही है बुलंद शहर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
घनानंद का कृष्ण भक्ति संबंधी बहुत बड़ा ग्रंथ कहाँ के राज पुस्तकालय में है? तो घनानंद का कृष्ण भक्त संबंधी बहुत बड़ा ग्रंथ कहाँ के राज पुस्तकालय में है? काशी, भरतपुर, उन्नाव और डी नंबर है छत्रपुर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर, छत्रपुर में। ठीक है, बहुत बड़ा राज पुस्तकालय है जहाँ पर कृष्ण भक्ति संबंधित का बहुत बड़ा ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आनंद घन नाम से कौन सा कवि का नाम जाना जाता है? आनंद घन के नाम से कौन से कवि का नाम जाना जाता है? तो नंबर एक है घनानंद, बी नंबर है देव, और सी नंबर है कबीरदास जी, और डी नंबर है भूसर जी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, मैंने बात ही किया था कि घनानंद जी का आनंद घन के नाम से जाना जाते थे। ठीक है, तो बाद में उनका घनानंद नाम पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रस बसंत कौन से कवि की कृति है? नंबर एक है जायसी, बी नंबर पद्माकर, सी नंबर कुंवर प्रकाश, डी नंबर घनानंद। तो राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। आपको जितनी भी कृति है याद रखना है, ये में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आज के इस वीडियो में। जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं और बताऊंगा भी, उनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लगभग जितने मैंने क्वेश्चन बताए इसी से रिलेटेड, इसी में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे अगर आप ये वीडियो अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, अच्छे से आप पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको पूरी तरह सफलता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में घनानंद की प्रेयसी सुजन कौन थी? नौकरानी, गणिका, महारानी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गणिका। ठीक है, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विरह लीला किस भाषा में है? नंबर एक भोजपुरी, बी नंबर हिंदी, सी नंबर अवधी, डी नंबर है ब्रज। तो जो विरह लीला कृति है वो किस में है ये आपको बताना है, किस भाषा में है। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ब्रज भाषा में है। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज आता है कि अवधी में कर दें या फिर ब्रज में करें, तो आप विरह लीला की जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में घनानंद किस काल के कवि थे? नंबर एक रीतकाल, बी नंबर भक्तिकाल, सी नंबर आधुनिक काल, और डी नंबर छायावादी काल। अब आपको ये क्वेश्चन शायद कन्फ्यूज कर रहा होगा क्योंकि अभी आपने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी पढ़ा था कि घनानंद जी किस काल के कवि थे, ऐसा समथिंग कुछ क्वेश्चन था। मैं आप लोगों को क्वेश्चन फिर से बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन था। तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ऐसा था, ठीक है, कि घनानंद जी रीत काल के कौन सी धारा के कवि थे। दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है, ऊपर वाला दूसरा क्वेश्चन का आंसर होगा और इसका दूसरा, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है बट दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन पूछ रहा था कि घनानंद रीत काल के कौन सी धारा के कवि थे, तो आपने वहाँ बताया था रीत मुक्त। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि घनानंद जी किस काल के कवि थे। ठीक है, यहाँ धारा हट रहा है। तो नंबर एक है रीतकाल, बी नंबर भक्तिकाल, सी नंबर आधुनिक काल, डी नंबर छायावादी। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर, रीतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? नंबर एक सिद्ध संप्रदाय, बी नंबर है निम्बार्क, सी नंबर है नाथ संप्रदाय, डी नंबर है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो होता है बी नंबर। ठीक है, क्या होता है बी नंबर, निम्बार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, घनानंद जी ने किसके सैनिकों को मार डाला था? नंबर एक नादिर शाह, बी नंबर हुमायूं, सी नंबर अकबर, डी नंबर शेरशाह सूरी। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, नादिर शाह के सैनिकों को घनानंद जी मार डाला था। अब किस लिए मार डाला था इसके लिए आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि रीजन क्या था। ठीक है, लेकिन नादिर शाह के सैनिकों को मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि घनानंद जी ने किसके कहने पर मोहम्मद शाह के दरबार में गाना गया था? राजा के कहने पर, कप्तान के कहने पर, सुजान के कहने पर, और मंत्री के कहने पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है सी नंबर, सुजान के कहने पर उन्होंने मोहम्मद शाह के दरबार में गाना गाया था।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद की रचनाओं का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है? नंबर एक 7, बी नंबर 12 और सी नंबर है 5 और डी नंबर है 2। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 2। वर्गीकरण की बात हो रही ना कि उनकी टोटल रचना के बारे में बात हो रही, ना रचना के बारे में, वर्गीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रिया प्रसाद किसकी कृति है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, घनानंद जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद ने अधर लगे हैं आन कर के पयान प्राण पंक्ति कब कही थी? विवाह के समय, घर लौटते समय, सी नंबर मरते समय, डी नंबर सोते समय। तो ये पंक्ति उन्होंने जब बोली थी वो कौन सा समय था? तो मैं बताना चाहूँगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर, मरते समय। ठीक है, उन्होंने ये पंक्ति बोल दी थी, मरते समय बोली थी, राइट आंसर इसलिए सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में, ठीक है, घनानंद का उत्तरवर्ती जीवन कहाँ गुजरा था? नंबर एक मथुरा, बी नंबर द्वारिकापुरी और सी नंबर है वृंदावन, डी नंबर है काशी। तो जो घनानंद जी का उत्तरवर्ती जीवन था वो गुजरा था कहाँ पर? क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर, वृंदावन में। ठीक है, उत्तरदायी जो जीवन था वो वृंदावन में गुजरा था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा ये सारे क्वेश्चन आपको और कहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो मैं पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट अभी भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू इसलिए बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैंने इतने क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है, इनकी मैंने PDF भी तैयार कर ली है और ये क्वेश्चन वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिए हैं। तो वेबसाइट आपको क्या है, क्या नाम है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, इसमें मैंने इतने क्वेश्चन लिए हैं, और भी क्वेश्चन घनानंद जी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन रहे थे, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा, इसलिए मैंने इतने क्वेश्चन बताने की कोशिश की है। वेबसाइट पर मैं और भी क्वेश्चन ऐड कर दूँगा, ठीक है, तो वेबसाइट पर आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर इतने ही लगभग और भी क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे, यानी इसका डबल हो जाएगा लगभग। ठीक है, तो आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ ये सारे क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे। ये वेबसाइट है, आप देख सकते हैं, ठीक है, sandeepinfo.com। ये वेबसाइट मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, यहाँ पर मैं मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर और बहुत सारी जानकारी अपलोड करता हूँ डिटेल में, जिससे आपको पूरी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो इस का लिंक मैं वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से इस पर क्लिक करके आप वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पर घनानंद जी, सूरदास, कबीरदास और भी बहुत सारे आपको क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, और क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को उसमें मिल जाएगा, हाईलाइट कर दूंगा मैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप करके पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, अपनी। और ये फेसबुक पेज है, अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो बेशक फॉलो कर लीजिए, इस पर मैं हमेशा एक्टिव रहता हूं, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो बेशक पूछ सकते हैं। ये फेसबुक है, पेज का लिंक है, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ये प्रोसेस कर लीजिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका 100% रिप्लाई देते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।